हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, रीमेक मूवी सेक्शन के दूसरे एपिसोड में हम अक्षय कुमार की उन टॉप फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो वास्तव में साउथ फिल्मों की रीमेक हैं और इनके बारे में आप में से काफ़ी कम लोग ही जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1997 में अक्षय कुमार और जूही चावला स्टारर मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी रिलीज हुई थी, जो अक्षय की खिलाड़ी सीरीज की 5वीं फिल्म थी। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल नहीं थी। बता दूं, इस फिल्म की कहानी पूरी तरह 1992 में रिलीज हुई तेलुगु कॉमेडी फिल्म आ ओकाटी अडाकू से कॉपी की गई थी। दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी, जबकि अक्षय कुमार स्टारर मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। दोस्तों, दूसरी फिल्म की बात करें तो 2000 में बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन ने फिल्म हेरा फेरी बनाई थी, जो 1989 में रिलीज हुई मलयालम कॉमेडी फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की ऑफिशियल रीमेक थी। इस फिल्म में लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और तब्बू नजर आए थे। हालांकि उस टाइम पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म को टीवी पर इतना पसंद किया गया कि आज इस फिल्म का नाम बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्मों के बीच लिया जाता है। फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2006 में इस फिल्म का सीक्वल भी बनाया गया था। ये फिल्म फिर हेरा फेरी नाम से रिलीज हुई थी। फिल्म ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। हेरा फेरी के बाद तीसरी फिल्म की बात करें तो 2005 में प्रियदर्शन ने ही अक्षय कुमार को फिर से लेकर फिल्म गरम मसाला बनाई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जॉन अब्राहम भी नजर आए थे। आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई प्रियदर्शन के ही डायरेक्शन में बनी मलयालम कॉमेडी फिल्म बोइंग बोइंग की ऑफिशियल रीमेक थी। बोइंग बोइंग बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और आज भी इस फिल्म का नाम मलयालम सिनेमा की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के बीच लिया जाता है, जबकि गरम मसाला को बॉक्स ऑफिस पर हिट डिक्लेयर किया गया था। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरफ से उन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, 2006 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म भागम भाग का डायरेक्शन भी प्रियदर्शन ने ही किया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा गोविंदा भी नजर आए थे। ये फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। आपको बता दूं, इस फिल्म की स्टोरी भी ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि इस फिल्म का पूरा प्लॉट 1995 में रिलीज हुई मलयालम कॉमेडी फिल्म मनार मथाई स्पीकिंग से पूरी तरह इंस्पायर्ड था। इतना ही नहीं, इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन 1963 में रिलीज हुई अमेरिकन कॉमेडी फिल्म इट्स ए मैड 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 वर्ल्ड से कॉपी किया गया था। दोस्तों, भागम भाग की सक्सेस के बाद 2008 में इस फिल्म का रीमेक तेलुगु लैंग्वेज में भी बनाया गया था। ये फिल्म ब्रह्मानंदम ड्रामा कंपनी नाम से रिलीज हुई थी, जो पूरी तरह भागम भाग से ही इंस्पायर्ड थी। भागम भाग के बाद अगली फिल्म की बात करें तो 2007 में साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन भी प्रियदर्शन ने ही किया था। आपको बता दूं, ये फिल्म मोहनलाल सर की मलयालम फिल्म मनी चित्रताजू की ऑफिशियल रीमेक थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अमीषा पटेल, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे कई एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले थे, साथ ही ऑडियंस को भी ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म 2007 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कार्तिक आर्यन को लेकर अनीस बज्मी इस फिल्म का सीक्वल भूल भुलैया 2 बना रहे हैं। इस फिल्म में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी और तब्बू भी नजर आएंगी। पहले ये फिल्म 31 जुलाई 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की प्रॉब्लम्स की वजह से इस फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। अब ये फिल्म 19 नवंबर 2021 में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, अगली फिल्म की बात करें तो 2012 में प्रभुदेवा सर के डायरेक्शन में बनी एक्शन कॉमेडी फिल्म रोडी राठौर रिलीज की गई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने डबल रोल प्ले किया था। इनके साथ फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा भी बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थी। फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही थी। वैसे तो आप में से काफी लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देता हूं कि ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म विक्रमार्कुडू की ऑफिशियल रीमेक थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस फिल्म में
अक्षय कुमार की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड की तरफ से स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। गाइस नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो 2013 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म बॉस का कॉन्सेप्ट भी ओरिजिनल नहीं था, बल्कि ये फिल्म भी साउथ की ही रीमेक थी। आपको बता दूं, ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म पोकरी राजा की ऑफिशियल रीमेक थी। ओरिजिनल फिल्म पोकरी राजा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, जबकि बॉस ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसका नतीजा ये निकला कि ये फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई और फ्लॉप हो गई। दोस्तों 2014 में साउथ फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर एआर मुरुगा दोस ने फिल्म हॉलीडे बनाई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आई थी। फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही थी। आपको बता दूं, ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई एआर मुरुगा दोस के खुद के डायरेक्शन में बनी तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म थुपाकी की ऑफिशियल रीमेक थी। दोस्तों अगली फिल्म की बात करें तो 2015 में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक रिलीज हुई थी, जिसमें श्रुति हसन बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थी। बता दूं, इस फिल्म का प्लॉट भी ओरिजिनल नहीं था, क्योंकि ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रामना की रीमेक थी। गब्बर इज बैक में ऑडियंस को अक्षय की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई थी, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। दोस्तों इस लिस्ट की 10वीं फिल्म की बात करें तो अक्षय कुमार की पिछली हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी भी साउथ की ही रीमेक थी। दरअसल ये फिल्म राघव लॉरेंस के खुद के डायरेक्शन में बनी फिल्म कंचना की ऑफिशियल रीमेक थी, बल्कि लक्ष्मी फिल्म का डायरेक्शन भी राघव लॉरेंस ने ही किया था। फिल्म में अक्षय के अलावा कियारा आडवाणी भी नजर आई थी। इस फिल्म की रिलीज डेट सबसे पहले 22 मई 2020 फाइनल की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस फिल्म को 9 नवंबर 2002 में OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था। आपको बता दूं, इस फिल्म की रिलीज से पहले ऑडियंस को इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। इसी वजह से इस फिल्म को सभी जगह से नेगेटिव रिव्यूज का सामना करना पड़ा था। जाहिर सी बात है, अगर ये फिल्म थिएटरों में रिलीज होती तो निश्चित तौर पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाती। दोस्तों इनमें से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन फ्यूचर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।